हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा और स्वागत है आप सबका अपने चैनल विभा के चैनल लाइफ स्टाइल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि इसकी रेसिपी को शुरू करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, इस डेजर्ट को बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप अपने घर पर मौजूद इन्ग्रीडियंट के साथ बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 6 ब्रेड लिया है, ये सादा और सादी वाली ब्रेड मैंने ली है और इन्हें हम 4 टुकड़ों में कट कर देंगे। तो मैंने 6 ब्रेड लिया है फ्रेंड्स, 3-3 करके मैंने एक के ऊपर एक डाल दिया है और इस तरह से हम इसे 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब मैंने गैस पर एक पैन को गर्म होने के लिए डाल दिया था, उसमें हम घी डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है, चारों तरफ से अच्छे से लगा लेना है एक ब्रश की सहायता से हमें। और जो भी ब्रेड के पीसेज हमने कट करके रखे थे उन्हें हम इस तरह से दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लेंगे। जब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाएगा फिर पलट कर हमें इसे दूसरे तरफ से भी ब्राउन होने तक इसे पकाना है। और इसे जब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये अच्छे से सीख चुका है दोनों तरफ से, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल के रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। अब उसी पैन में हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे, यानी 1 कप दूध मैंने इसमें ऐड किया है और इन्हें हमें अच्छे से हल्का सा गर्म करना है, यानी कि जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अगर मिल्क पाउडर इसमें यूज़ करना है तो आपको हल्का सा गर्म दूध ही रखना है, तभी इसमें मिल्क पाउडर जो है वो अच्छे से घुलेगा। तो मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर इसमें डाला है और इसे हम गाढ़ा होने देंगे। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबलने देते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए हमें इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी का यूज़ हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी का मात्रा रहता है, तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही स्वीट बनकर तैयार हुआ था, यकीन मानिए घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अब मैं इसमें 1/2 कप मिल्क में मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध में डालकर, यानी कि वनीला कस्टर्ड पाउडर का यूज़ मैंने किया है फ्रेंड्स, इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसलिए मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सब देख रहे होंगे कि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और बहुत ही अच्छा उबाल इसमें आया है और ये देखिए कितना गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। बस इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हमें कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो मैंने इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता ऐड किया है। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब एक सर्विंग डिश में हम इसे अच्छे से फैला देंगे। तो इन्हें हमें अच्छे से डाल देना है, चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करना है फ्रेंड्स, इवनली हमें चारों तरफ से स्प्रेड करना है। तब जब हम इसमें ब्रेड के टुकड़े डालेंगे तो अच्छे से ब्रेड के टुकड़ों में ये कोट हो जाना चाहिए। अब हम इसके ऊपर अपने ब्रेड के टुकड़े डालेंगे जो हमने सेक करके रखे थे। अब वापस से हमें इसे स्प्रेड कर देना है ब्रेड के टुकड़े के ऊपर। तो इस तरह से सारे के सारे ब्रेड के टुकड़े हम डालते जाएंगे और इसके ऊपर से इसे डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए और सारे ब्रेड के टुकड़े में ये अच्छे से कोट हो जाए। हमारे जितने भी ब्रेड के टुकड़े मैंने करके रखे हैं सब इसमें कोट हो जाना चाहिए, तभी जो है इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। तो ये फाइनल स्टेज है, अब हम इसके ऊपर भी सारे के सारे डाल देंगे इसमें जो हमने बनाकर तैयार किया है मिल्क का, जो हमने रसमलाई के जैसा गाढ़ा लिक्विड बनाकर तैयार किया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इवनली सारे ब्रेड के टुकड़े के ऊपर हमें इन्हें डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना यमी और कितना डिलीशियस लग रहा है, आप इसे इस क्रिसमस ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए आपके घर में सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
अब हम इसमें कटे हुए पिस्ते और बादाम इसमें ऐड कर देंगे और कटे हुए काजू। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब मैं इसके ऊपर सिल्वर फॉइल डाल दे रही हूँ, यानी सिल्वर पेपर हम इसके ऊपर डाल देंगे इन्हें अच्छे से, और भी ज़्यादा ये यम्मी लगे देखने में और सुंदर लगे, इसके लिए मैं सिल्वर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें से थोड़े से कट करके दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना डिलीशियस डेजर्ट बनकर हमारा तैयार हुआ है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इस क्रिसमस इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।